क्या खाओगे? उच्ची उल्टी सब्जी खाओगे? स्पर्श का भी 10:15 हो रहे हैं मॉर्निंग के। वेलकम बैक टू माय चैनल। और स्पर्श को उल्टी सब्जी खाना है, रोटी सब्जी। तो मैं जा रही हूँ बनाने। आटा तो गूंद के रख दी हूँ जब ये मॉर्निंग में जा रहे थे। और गुड मॉर्निंग, 9:15 हो रहे हैं अभी, 9:30। और आटा उसी टाइम का मेरा गूथा हुआ है तो वो रहेगा। और मैं बोरो और आलू की सब्जी बनाई हूँ, देख लो इधर। तो चलिए मैं तुझे की ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगी तो बनता रहेगा। और 2 बार बोला मेरे से बाबू ने कि मम्मा रोटी सब्जी दे दो। तो रोटी सब्जी सब्जी तो है, बस रोटी मुझे बनाना है। और यहाँ देखिए ये जो सामान है ये पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी मैंने साबुन ढूंढ रही थी, नहाने वाला साबुन इसमें खत्म हो गया था बाथरूम में, लेकिन पता चला इसमें भी इन्होंने फोन की तो मेरे को लगा छूट गया है शॉप पे। फिर ये बोले नहीं मैं लेना ही भूल गया था, उठा रहे थे तो मैं देखी थी कि उठा रहे हैं। मैं पूछे कौन सा साबुन लूं, मैं बोली मार्गो आप ले लो, तो फिर ना पता चला कि लिए ही नहीं है। चलिए रोटी बना के फिर मिलते हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जो कल मैं शाम को लेके आई थी। मतलब रात हो गए थे 7:30। उसके बाद अभी टाइम हो रहे हैं 11:30। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से थैले में है। और इसमें से बता दूँ बहुत सारे सामान निकल गए थे। जैसे हमने निकाल लिए थे जब लेके आए थे वहीं से हमने मिल्क दही सब कुछ लिया था। मिल्क निकल गया है, दही निकल गया है, चीज निकल गया है। और फिर हमने बटर भी निकाल दिया, फ्रिज में डाल दिया। मतलब जो जो फ्रिज में रखने वाली चीजें थी ना वो सब हमने निकाल दिया। और साथ ही साथ कुछ नमकीन के पैकेट थे जो आने के बाद हम लोग खाए, वो पैकेट मैं निकालती हूँ। बाकी जो भी सामान है इसमें मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले क्या निकला, ये हल्दीराम का बनाना चिप्स 180 ग्राम है। ऐसे मैं बस दिखाते जाती हूँ। स्पर्श की नजर मेरे ऊपर है कि ये क्या लिए। स्पर्श आपके लिए आया है, स्पर्श आपके लिए आया है। स्पर्श बड़ा ध्यान से इसी पे नजर डाले हुए। उसके बाद ये ब्रेड, ये कैसे टूटने लगा, चढ़ा था क्या इस पे? ये सैंडविच ब्रेड हमने लिया है, इसको मैं फ्रिज में ये डालना भूल गए, अब फ्रिज में डालेंगे। उसके बाद है यहाँ पे पोहा का पैकेट, एक हाफ के जी होगा आई थिंक ना, हाफ के जी है ये पोहा का पैकेट। और उसके बाद क्या है, चलिए मैं आप लोगों से बैक कैमरे से दिखाती हूँ। उस तरीके से फ्रंट कैमरे से दिखाते दिखाते ना फिर हो जाएगा, ऐसे निकालते जाऊंगी और दिखाते जाऊंगी फटाफट। उसके बाद क्या है यहाँ पे है, ये है सूजी। सूजी मेरे पास नहीं था, मैं आई थी तो फिर मंगाई भी नहीं थी, तो फिर ये एक सूजी का पैकेट है, हाफ के जी सूजी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कसूरी मेथी लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पूजा के लिए, बाबू ने ऐसा लग रहा है ना कि मैं जब कुछ काम कर रही हूँ तो चढ़ गया है, ये धूप बत्ती है। और मुझे ट्रायंगल वाले ज़्यादा सही लगते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ट्रायंगल वाला जो होता है ये ज़्यादा सही होता है, ये धूप बत्ती है। और यहाँ पे काजू इन्होंने निकाल दिया है, किशमिश बस यहाँ पे इस पैकेट में है तो ये छोटा वाला हमने लिया क्योंकि अभी किशमिश मेरे पास पहले का है और इसी वजह से मैंने ये छोटा वाला पैकेट लिया। तो ये किशमिश हो गया। और उसके बाद ये मैंने एक सोफी लिया है मेरे लिए। और उसके बाद मैंने खुद के लिए, मैं ये वाली बिस्किट ली हूँ, बेकरी वाली बिस्किट, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है बेकरी बिस्किट, तो ये एक पैकेट ही मैंने लिया। ज़्यादा मैं वैसे बिस्किट खाना कम कर दी हूँ तो ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं अभी। और जो भी हमने लिया है वो बीच में ख़त्म हो जाएगा, पूरे महीने का नहीं करेगा। उसके बाद ये लाइट चूड़ा इतना ज़्यादा मुझे पसंद है ना कि मैं ये ऑनलाइन कई बार बुक किया, मैंने यहाँ पर डिलीवरी ही नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों नहीं हो रही थी। और ये जब मैं साधना के पास गई थी ना, देवरानी के पास, वहाँ पे इतना खाती थी मैं, इतना खाती थी ये वाला चूड़ा, वहाँ पे बहुत अच्छे से भोपाल में मिल जाता था। तो इसका मैंने ना 2 पैकेट ले लिया क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद मिला था, तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किसको किसको ये पसंद आता है ज़रूर कॉमेंट्स करके बताना। मुझे इतना पसंद आता है कि मुझे दिन भर भी दोनों तो भी ये खाते रह जाऊँ, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बहुत, क्योंकि थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा खट्टा मीठा लगता है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे है बेकिंग पाउडर। और ये जो थैला है वो शॉप वाले भैया ही ने दे दिए क्योंकि हम थैला लेके नहीं गए थे, तो वो इसी तरीके से इसमें रख के और दे दिए, फिर ये लेके चले आए हैं स्कूटी से। ये बेकिंग पाउडर सबका एक्सपायरी देखना है क्योंकि इन्होंने बोला है एक्सपायरी देख लेना कि ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं हो कि 2 महीने बाद ही एक्सपायर कर जाए। वैसे ये 20 का है मस्जिद। तो ये एक बेकिंग सोडा हो गया। फिर ये हमने डिश बार ले लिया है एक, जो जो मिला हमें वहाँ पे वही हमने ले लिया देखा।
उसके बाद ये एक इन्होंने नमकीन लिया है, ये नमकीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नमकीन और ली हूँ मैं ना, आप लोग को जब किचन में जाऊंगी ना तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना कि पूछो नहीं। तो ये एक नमकीन है, और उसके बाद ये गुड्डे बिस्किट हो गया, और गुड्डे बिस्किट एक ये मैरी बिस्किट, मैरी गोल्ड, ये भी मैरी गोल्ड, और क्या है ये हमने लिया है टोस्ट, अभी है टोस्ट लेकिन उसका तो मैं क्रम्स बनाऊंगी, तो ये टोस्ट सही है, ये मैंने लिया। उसके बाद मैंने लिया है एक उड़द दाल का पैकेट, अभी थोड़ा सा था लेकिन वो खत्म हो जाता बीच में ही, तो ये मैंने ले लिया। और क्या है, बेसन है, ये टाटा संपूर्ण बेसन, किसी का मैंने स्पॉन्सर्ड वीडियो ये नहीं है, मैंने खुद से सामान खरीदा है, ऐसा मत आप लोग सोचना कि मैं, मेरे पास सामान आया है और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और उसके बाद मैंने ये सांभर मसाला 10 रुपीज़ वाला इसलिए लिया है क्योंकि इसके पहले जो सांभर मसाला था वो खराब हो गया था, और मैं बहुत ज़्यादा सांभर नहीं बनाती हूँ, तो मैं छोटा वाला पैकेट ही लिया है मैंने। और ऐसे गिरा देती हूँ, और मैं आप लोगों से दिखाती हूँ, ये है गरम मसाला, दिख रहा है ना आप लोगों को, तो ये गरम मसाला है, और साबुत गरम मसाला मुझे लेना था, वैसे मैं पाउडर वाला गरम मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, और मैं खड़े खड़े ही मसाले ज़्यादातर डाल के यूज़ करती हूँ, तो ये गरम मसाला यहाँ पे है, एक ये डब्बा ही मैंने ले लिया है। उसके बाद ये मूँगफली का पैकेट है, और ये एक पार्ले जी बिस्किट और भी था ना बेटा स्पर्श, और भी था ना, ये पार्ले जी बिस्किट हो गया, ये सर्फ हो गया एक्टिव व्हील, और क्योंकि लिक्विड सर्फ हमारे पास है तो एक्टिव व्हील की जरूरत है, एक्टिव व्हील डेली यूज में मैं एक्टिव व्हील या फिर टाइड यूज करती हूँ, तो जो मुझे मिला वो ले लिया मैंने। उसके बाद ये है चावल का आटा, ये मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी था चावल का आटा, क्योंकि मुझे होम रेमेडी वगैरह भी ना बनानी है। उसके बाद है यहाँ पे चिकन मसाला, और उसके बाद है ये टर्मरिक पाउडर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है फिश मसाला, ये सब्जी में डालने के लिए, बेसन की सब्जी में बहुत टेस्टी लगता है ये मसाला डालने पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कोको पाउडर, ये कोको पाउडर ना पैक है शायद पूरा। उसके बाद एक ये कायम चूर्ण, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ती लेकिन घर में रहना चाहिए, किसको कब पेट में दर्द वर्द हो जाए, पेट में दर्द में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कायम चूर्ण, तो इसको भी मैंने ले लिया। और उसके बाद है यहाँ पे चॉकलेट सिरप मैंने ले लिया कभी कभी के लिए, और उसके बाद ये एक और पार्ले जी हो गया, ये छोटा छोटा ये बिस्किट हो गया, रात में ऐसे बिस्किट बाबू ने निकाल के रख दिया था, तो वो सब मैं डब्बे में डालती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चंदन लिया है पूजा के पास रखने के लिए, चंदन मेरा लगभग ख़त्म हो गया था। और ये कॉफ़ी मैंने ना इस तरीके से लिया है क्योंकि पता है इस टाइम पे यहाँ पे हो रही है बारिश, बहुत बारिश होती है, और बरसात के मौसम में मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं डब्बे वाला कॉफ़ी का डब्बा लेती हूँ तो वो जम जाता है, तो इसी वजह से मैं इस टाइम पे ज़्यादा मैं सोचती हूँ ना सर्दियों में ले लेती हूँ फिर वो गर्मी तक, लेकिन इस टाइम पर मैं इसे पैकेट वाला ही लेती हूँ, एक कॉफ़ी बनाऊँ अगर ज़्यादा बनाना है तो दो पैकेट डाल देती हूँ, तो इस तरीके से मैंने ये ले लिया है, जमने की वजह से मैंने ये वाला लिया है। और फिर ये बिस्किट हो गया, छोटा वाले मैंने बूंदी लिया है, बड़ा वाला बूंदी नहीं लिया है, छोटा मैंने पैकेट लिया है बूंदी का। उसके बाद यहाँ पे साबुन हो गया, तो रही मेरी ग्रोसरी शॉपिंग, और उसके बाद अब ये सारा सामान सेट करना है, ये सामान सेट करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता काम लगता है। और क्या कर रहे हैं बाबू आप, अरे इसको सेट करने में तो टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगने वाला है, पता है डब्बा खोज खोज के कुछ कुछ के उसमें रखो, ये किस में रखो ये सोचना पड़ता है, ये वाला किस में डालू, ये वाला किस में डालू। वैसे बेसन सूजी ये सब का तो डब्बा है तो उसमें मैं डाल दूंगी, और नमकीन वगैरह अगर नहीं होगा तो मैं बड़े वाले डब्बे में फूल कर दूंगी, एक एक करके निकालते जाऊंगी उसमें। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। ये 2:30 बज रहे हैं, धोनी बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, और अभी जस्ट मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि मैं जो स्प्रे बनाती हूँ क्लीनिंग के लिए ये कैसे बनाती हूँ, तो मैं उनको अभी बस वो कई बार से बोल रही थी, तो आज जैसे कमेंट आया ना मैं सोची कि अभी की अभी मैं इसको ब्लॉग में अपने बता देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को याद नहीं आएगा, क्योंकि वैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैं बनाई थी उस टाइम ही मैं दिखाई थी कि मैं कैसे बना रही हूँ जब खत्म हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे मेरे पास विनेगर नहीं है, तो जो व्हाइट वाला सिरका आप लोग जो बोलते हो वही यूज करना है विनेगर, और उसके बाद आधा आप समझ लो कि इस बोतल में आप आधा पानी डालो और आधा आप विनेगर डालो,
और विनेगर डालने के बाद जिस दोनों हाफ हाफ क्वांटिटी में ले लो। उसके बाद आप चाहो तो इसमें विम लिक्विड डाल सकते हो, जिसमें वहां पे रखी हूँ विम लिक्विड डाल सकते हैं, 4 से 5 बूंद 6 बूंद, उससे ज्यादा मत डालना। आप चाहो तो विम लिक्विड नहीं भी डालो। विम लिक्विड से क्या होता है ना, अगर चिकनाई कहीं होती है तो बहुत ईजिली निकल जाता है। और जैसे आप डब्बे में भरो और इसको स्प्रे करो। अगर जब मैं लेके आऊंगी ना विनेगर, तो अगर मेरे होगा ये खत्म हो जाएगा इसके बाद, तो मैं बनाऊंगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी फिलहाल मेरे पास है नहीं। और दो मैं इस तरह का 2 स्प्रे बोतल रखती हूँ, एक पे मैं सैनिटाइजर रखती हूँ, क्योंकि कोई भी सामान ये खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले मैं ऊपर से ही सैनिटाइज कर देती हूँ। या फिर मैं कभी कुरियर लेने जाती हूँ तो जब मैं डोर ओपन करती हूँ उस टाइम पर, जब भी मैं आती हूँ बंद करती हूँ तो मैं इसको सैनिटाइज कर देती हूँ। ये सैनिटाइजर बहुत ही ज्यादा यूज होता है मेरे लिए स्प्रे वाला। कोई भी कुरियर आता है तो जब मैं थैली से निकालती हूँ, आते ही आते मैं पहले स्प्रे करके तब छोड़ती हूँ। तो सैनिटाइजर और ये दोनों इतनी काम की चीज है ना कि पूछो नहीं। सैनिटाइजर तो खैर आजकल यूज होता है, लेकिन आप में से अगर कोई ये स्प्रे नहीं बनाता है तो आप बना के देखो। अगर आप किचन की टाइल्स इसे साफ करोगे, इतनी अच्छे से क्लीन होता है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है वहां कुछ भी दाग धब्बा कुछ नहीं रहेगा। आराम से आप कभी किचन कैबिनेट साफ करना है, किचन का काउंटर टॉप साफ करना है, या फिर आपको टाइल्स साफ करनी है, बहुत अच्छे से इस स्प्रे से साफ हो जाता है। बस 3 चीज। चलिए अभी मेरा दाल बन चुका है, अब मैं राइस बनाऊंगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर आ गई, बस इतने कमेंट्स आ रहे थे ना रिक्वेस्टेड, पूछो नहीं। कोई बोलता है अप्पे बनाने के लिए, तो मैं अभी ना चावल वाला अप्पे तो नहीं बनाऊंगी, मैं मूंग दाल वाले अप्पे बनाऊंगी आज मैं उनके ही रिक्वेस्ट पे। तो सोच रही शाम का नाश्ता भी हमारा हो जाएगा और अप्पे भी बना, तो ये मूंग दाल मैं जा रही हूँ भिगो देने के लिए। और इतने ही मेरे पास मूंग दाल है तो मैं सारा भिगो दूंगी, फिर मैं मंगा लूंगी। ये था इसी वजह से मैं आज ग्रोसरी शॉपिंग में कल शाम को लेके नहीं आई कि चलो है अभी तो मुझे बनाना नहीं है, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि दी शेयर करो तो मैं आप लोग साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए फिर लंच करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। और अभी इस पर सोया हुआ था तो मैं अभी स्किन केयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं फेस वॉश के लिए यूज़ कर रही हूँ गुड्स वाइव्स का अर्गन फोमिंग फेस वॉश, और इसको अब मैं दिखाती हूँ किस तरीके से निकलता है। और मैंने इसको यूज़ किया है और मैं आज जो भी प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ सारे गुड वाइव्स के यूज़ करने वाली हूँ। आप इस तरीके से अपना स्किन केयर कर सकते हैं, आपके पास ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट है, आपके पास जो भी है उससे कर सकते हैं। इन सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं वहाँ से लिंक पर क्लिक करके। तो सबसे पहले मैं फेस वॉश करने के बाद उसको हटा दे रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रब करूंगी। स्क्रब के लिए मैं गुड्स वाइब्स का पपाया स्क्रब यूज कर रही हूँ, जो यहाँ पे ऑरेंज टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है कलर इसका, जो पपाया का कलर होता है ना पिच कलर टाइप का आ गया है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत लगा ले रही हूँ अपने फेस पे और नेक एरिया पे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रबिंग करूंगी 2 से 3 मिनट तक। और स्क्रबिंग हफ्ते में आप 2 बार ही करना, इससे ज़्यादा कभी नहीं करना चाहिए स्क्रबिंग। डेली बहुत लोग स्क्रब करते हैं तो आप मत करना। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ फेस पैक, और फेस पैक के लिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ गुड्स वाइब्स का ऑलिव डिप क्लीजनिंग फेस मास्क। और यहाँ पे ये मास्क लगाने के बाद मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूँ। जब मेरा मास्क सूख गया उसके बाद मैं उसको हटाने के बाद यहाँ पे फेस को मैं क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे टोनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गुड्स वाइब्स का राइस ब्राइटनिंग टोनर, और इसको मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं इसको बिल्कुल भी हाथ से कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इसी तरीके से सूखने देना है। उसके बाद मैं गुड्स वाइब्स का वेनिला फ्लेवर का मैं लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। बस हो गया मेरा स्किन केयर, और सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को दे दूंगी। तो चलिए बाद में। और मैं अभी किचन में आ गई हूँ अप्पे बनाने के लिए, और मैं यहाँ पे साड़ी पहनी हुई हूँ। और इसका रीजन भी मैं बताऊँ, मैं एक वीडियो बनाने जा रही थी मेकअप वीडियो, उतने में स्पर्श होया था उठ गया और बोलता है कि मम्मा अप्पे, क्योंकि उसको पता था कि आज मैं अप्पे बनाने वाली हूँ। फिर ग्राइंड करके मैं रख दी थी मूंग दाल को, तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल ग्राइंड कर लिया है। अब मैं सब पे बनाऊंगी, प्याज भी कट करके रखी हूँ अभी, और फिर मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज ना आज वाले ब्लॉग्स में जो मैंने पब्लिश किया था उसमें किसी ने बोला था कि अप्पे की रेसिपी बताना, तो मैं आज मूंग दाल वाली बता देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपने वीडियो ना कंटिन्यू करूंगी। बस मैं स्टार्ट ही कर रही थी बनाना। और ये वाली साड़ी बताना आप लोग कैसी लग रही है, चलिए यहाँ पे दिखा देती हूँ। इसको मैंने अमेजोन से मंगाया है, ये वाली साड़ी बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ इस साड़ी का पूरा लुक। यहाँ पे अप्पे को मैंने मूंग दाल जो छिलके वाली मूंग दाल होती है ना उसको मैंने पीस लिया है, और इसमें ही मैंने मिर्ची पीस ली है, हरी मिर्ची 3-4 आपको जितना तीखा खाना हो। उसके बाद यहाँ पे मैं ये प्याज को ऐड कर दे रही हूँ इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्याज ही मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद क्या क्या ऐड करना है, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है। एक्चुअली मुझे इस साइड थोड़ा सा जाना पड़ेगा और मैं कैमरा इधर सेट कर रही हूँ। मैं प्याज डालने के बाद मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मुझे इसमें ऐड करना है
जरा सा हींग, हींग यहाँ मैंने डाल दिया और फिर उसको आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहे तो धनिया पत्ती हो तो धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही बना रही हूँ, धनिया पत्ती मेरे पास नहीं है। आप चाहो तो इसमें और भी वेजेस डाल सकते हो, लेकिन बाबू खाता नहीं है। आप थोड़ा सा टमाटर डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, ये सारा चीज आपके पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने हींग डाला, प्याज डाला, नमक डाला मैंने, और अपनी स्टैंड ये मैंने अमेजोन से लिया था। कुछ लोग मेरे से इसका लिंक मांग रहे थे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी। मैंने अमेजोन से ही लिया था और ये सेलो का ये अपनी स्टैंड है। बस यहाँ पे मैंने रखा तो ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दे रही हूँ। ऑयल लगाने के बाद मैं इसमें जो अप्पे का पेस्ट है वो मैं डाल के ढक के पका लूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो कल के वीडियो में कमेंट की हुई थी कि उनकी भाभी प्रेग्नेंट है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, इस टाइम पे प्रॉब्लम हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना। उन्होंने वही बोला था कि दीप, और बोलते हैं ना कि जब एक साथ बहुत सारे लोग दुआ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो ठीक होता ही होता है। आपकी भाभी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगी। और इस टाइम पर एक तो कोरोना, उस टाइम पर प्रेगनेंसी में जाके हॉस्पिटल में एडमिट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और जिसके साथ कुछ होता है ना वही जान सकता है कि क्या दुख क्या होता है। और यहाँ पे मैं सारे अप्पे डाल दी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी दुआ करना, मैं भी करूँगी, ज़रूर आपकी भाभी ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे अप्पे जो था वो मैं पलट रही हूँ और ये एक साइड से क्रिस्पी हो गया है, दूसरी साइड से भी मैं इसको पका लूँगी। और यहाँ पे अप्पे तैयार हो चुके हैं, जस्ट मैं निकाल के और बाबू को लेके जा रही हूँ। बाबू आ ही नहीं रहा, मैं अभी बुलाने भी गई थी कि चलो अप्पे रेडी है, लेकिन वो रूम से आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल तैयार है और मैंने थोड़ा सा ही अभी फिलहाल बनाया है, और सॉस के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, मैं और स्पॉश, और जो भी को अभी पेस्ट जो उसका रखा हुआ है ये आएंगे, फिर मैं बनाऊंगी। देखिए कितना ज्यादा यमी बना है, और इसमें अभी निकाल ले रही हूँ सॉस। देखिए कैसे ये छुप रहा है, ये कैसे छुप रहा है, उधर उधर देखो देखो, और अपने के लिए क्यों नहीं आ रहे थे। चलो खाओ। बहुत बहुत यमी बने हैं, और स्पर्श आ ही नहीं रहा था, मैं काफी देर तक ना उसको बुला रही थी चलो चलो, पता नहीं उसको क्या मूड चढ़ा था, आ ही नहीं रहा था, और अभी देखिए आराम से ये खा रहा है। और फिर और भी जो है ना, ये जब आ जाएंगे ऑफिस से तब मैं बनाऊंगी, आने के बाद बनाऊंगी या फिर आने के 5 मिनट पहले से बनाऊंगी तो हो जाएगा। और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, और कल नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, तो कल मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा मेरे ब्लॉग्स को, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मुझे अगर इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया है तो इंडियन यूट्यूबर शारिका रिंग से मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इस पर बाय कर दो, खाने में बिजी है बाबू, बाय कर दो।